अस्सलामुअलैकुम। आज की PWD डेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ इकरा शबान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी। खबरनामे का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं जिला झांग की तहसील शोरकोट से, जहां पर जिले में महकमा बहबूदे आबादी ऑफिस झांग के सोशल मोबिलाइजर कलीम ताहिर की जानिब से कम्युनिटी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज जिला झांग की तहसील शोरकोट में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर झांग की हदायत पर सोशल मोबिलाइजर कलीम ताहिर ने मुकामी अफराद के साथ खानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत के हवाले से कम्युनिटी मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में मुकामी अफराद की एक बड़ी कसील तादाद ने शिरकत की, जिनको खानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत के हवाले से आगाह किया गया। मीटिंग में शिरकत करने वाले अफराद को IEC मटेरियल भी तकसीम किया गया। इस मौके पर सोशल मोबिलाइजर कलीम ताहिर का कहना था कि खानदानी मनसूबा बंदी ही हमारी तरक्की और खुशहाली की जामन है। छोटे खानदान का फैसला करके हम अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। जंग के बाद आपको आगाह करते हैं गुजरात से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात की हदायत पर मां के दूध की अहमियत और अफादियत के हवाले से अवामुल नास के लिए वीडियो पैगाम जारी करवाया गया। फैमिली वेलफेयर वर्कर साइमा शबीर का अपने वीडियो पैगाम में इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा शबीर है और मैं पिछले 7 साल से पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज इंचार्ज काम कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो है लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई या फिर माओं का दूध कम क्यों आता है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले 6 माह माँ का दूध बच्चे के लिए एक मुकम्मल गज़ा है और माँ के दूध में वो तमाम चीज़ें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो बच्चे को मुख्तलिफ इन्फेक्शन या बीमारियों से महफूज रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लो ब्रेस्ट मिल्क क्यों होता है या माँ का दूध कभी कभी कम क्यों होता है। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि माएँ या माँ ने बच्चे को फीडिंग कब शुरू करवाई। तो ज़्यादातर औरतों का जवाब ये होता है कि जी मैं 3 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने फीडिंग शुरू करवाई, या हॉस्पिटल में ये सारी सहूलतें नहीं होती कि जी मैंने ब्रेस्ट को क्लीन करना था तो इसलिए मैंने जो है ना घर में आके फीड करवानी मुनासिब समझी। तो ये बिल्कुल गलत है। जिस औरत की नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको चाहिए कि वो जो ही लेबर रूम से बाहर आए या 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को अपनी फीड शुरू करवा दें। और जिन औरतों के सी सेक्शन या बड़े ऑपरेशन होते हैं उन्हें चाहिए कम से कम 4 से 6 घंटे के दौरान बच्चे को वो अपना फीड शुरू करवा दें, क्योंकि मतलब डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पॉसिबल हो तो बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। अगर माएँ डिले कर देती हैं फीडिंग करवानी तो ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, फिर दूध उस मकदार से नहीं बनता। इसलिए सब माओं को चाहिए जो बच्चे पैदा करती हैं माँ के दूध की अहमियत को समझें और बच्चों को जल्द अज जल्द डिलीवरी के या सी सेक्शन के फौरन बाद अपनी फीडिंग शुरू करवाया करें। शुक्रिया। ये थी आज की हमारी अहम तरीन खबरें। महकमा बहबूदे आबादी पंजाब के मुतालिक दीगर खबरों को जानने के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी। मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होती है अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।